हिमाचल में इस बार बरसात ने खूब कहर मचाया है। 24 जून से 27 अगस्त 2023 दोपहर 12 बजे तक मानसून में नुकसान के आंकड़े की बात करें तो 8000 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी को 2913, जल शक्ति विभाग को 2115, बिजली बोर्ड को 1738 की चपत लगी है। पीडब्ल्यूडी को 2913, जल शक्ति विभाग को 2115, बिजली बोर्ड को 1738 करोड़ की चपत लगी है। हिमाचल में अब तक 380 लोगों की जान गई है। लैंडस्लाइड से 110, बाढ़ से 19, बादल फटने से 14, डूबने से 32, पहाड़ी आदि गिरने पर 38, करंट लगने से 14 और सांप के काटने से 13 की जान गई है। सड़क हादसों में 128 ने दम तोड़ा है। लैंडस्लाइड से शिमला में 51, मंडी में 17, सोलन में 13, कुल्लू में 12, किन्नौर में 5, चंबा, हमीरपुर, सिरमौर में 3-3, बिलासपुर, कांगड़ा व लाहौल स्पीति में 1-1 ने दम तोड़ा है। बाढ़ से कुल्लू में 15, सोलन में 2, चंबा और मंडी में 1-1 की जान गई है। बादल फटने से मंडी में 8, सिरमौर में 5 और चंबा में 1 की जान गई है। हिमाचल में इस बरसात लैंडस्लाइड के 160 और बाढ़ के 66 मामले सामने आए हैं। अब तक 38 लोग लापता हैं। कुल्लू में 19, मंडी में 9, शिमला में 4, चंबा में 3, किन्नौर में 2 और लाहौल स्पीति में 1 लापता है। बरसात में 2457 घर पूरी तरह से और 10569 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 307 दुकानें और 5439 गौशालाएं बरसात की भेंट चढ़ी हैं। हिमाचल में 1 NH और 246 सड़कें बंद हैं। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।